इधर चल रही थी पीएम मोदी की कैबिनेट की शपथ, उधर जम्मू में माता वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला, 10 की मौत, 35 से अधिक लोग घायल, स्थानीय पुलिस और जवानों ने संभाला मोर्चा। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पे बता दें कि इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उधर जम्मू में आतंकियों ने माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। इस आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, खबर सामने आई है। मौके पर सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद राहत और बचाव का कार्य जारी है। हादसे में हताहत हुए कई श्रद्धालुओं के समीप के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। वही आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उधर जम्मू में आतंकियों ने माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया है। इस आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है। मौके पर सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद राहत और बचाव का कार्य जारी है। हादसे में बताया गया कि लगभग 35 से 40 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद राहत और बचाव का कार्य जारी है। हादसे में हताहत हुए कई श्रद्धालुओं को समीप के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालांकि मौत और घायल लोगों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ये बड़ी खबर जो आ रही है, जैसे ही खबर सामने, ये पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है, जहां पे जम्मू में माता वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 10 लोग की मौत की खबर सामने आई है। वही 35 से 40 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे इलाज जारी है। वही स्थानीय पुलिस भी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वही जवान जो है सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हुए हैं। हालांकि देखना होगा जो जवान जो है कब तक आतंकियों के पास पहुंच पाते हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन बड़ी खबर जो है पीएम मोदी के कैबिनेट के शपथ के समय ही जम्मू में, जहां पे माता वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। इसमें 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई, वहीं 35 से अधिक लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं। घायल लोगों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।